नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली डिस्चार्ज के बारे में। कई बार कई सारी महिलाएं इस डिस्चार्ज को लेकर के काफ़ी हिचक रखती हैं, बातें खुल करके नहीं करती हैं, अपने पार्टनर को भी कई सारी चीज़ें साझा ही नहीं करती हैं। महिलाओं के शरीर में डिस्चार्ज जो है समय समय पे बदलता रहता है, और ये डिस्चार्ज जो है प्रेग्नेंट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो डिस्चार्ज समय पर निकलना चाहिए वो कुछ महिलाओं का तो निकलता है और वो फटाफट से गर्भधारण कर लेती हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब उन महिलाओं की डिस्चार्ज की कंडीशन खराब होती है जो समय पे ओवुलेशन के वक्त में निकलती नहीं है। अब ये डिस्चार्ज एक्चुअली इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, और स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। दोस्तों, एक्चुअली आपके शरीर में बनने वाला डिस्चार्ज आपके निचले अंगों के पीएच लेवल को सामान्य रखता है, आपको इन्फेक्शन से बचाए रखता है, और साथ ही साथ जब आप संबंध बनाती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए अपने पति के साथ, तो उनके सेल को यानी उनके जितने भी डिस्चार्ज पानी होते हैं उन सभी को सिक्योर रखने में मदद करती है, और सेल यानी स्पर्म के मूवमेंट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस डिस्चार्ज के थ्रू ही स्पर्म्स काफी स्मूथली ट्रैवल करते हैं, यानी स्मूथली वहां से गुजरते हैं इस डिस्चार्ज के थ्रू ही और आपके अंडे तक पहुंच जाते हैं फटाफट से। तो ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो समय समय पर डिस्चार्ज का कंडीशन बदल सकता है, जैसे कि जस्ट पीरियड आपका खत्म हुआ है तो वजाइना काफी ड्राई होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपकी पीरियड्स नजदीक आने लगती है ये डिस्चार्ज काफी पतला हो जाता है। लेकिन आज मैं बात करूंगी वैसे ही फ्लूड की जो महिलाओं के शरीर से ओवुलेशन के वक्त में निकलता है, जो बिल्कुल तार नुमा होता है फ्रेंड, जिसमें धड़ियां बनती हैं तार के जैसा होता है, और साथ ही साथ वो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे, येलोइश व्हाइट कलर का दिखाई दे, या फिर कई बार वो पारदर्शी भी निकलता है दोस्तों, और वो ओवुलेशन को रिलेट करता है। लेकिन अब जानते हैं कि जिन महिलाओं में ये डिस्चार्ज नहीं बनता है तो क्या वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। देखिए, उनके लिए कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब आपके शरीर में ऐसा द्रव्य ना बने तो इट मीन्स आपके हार्मोन्स की कंडीशन सही नहीं है। हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस की भी संभावना आपके शरीर में बहुत ज़्यादा। ऐसी महिलाओं में दोस्तों कई बार प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड इंक्रीज करना चाहिए जिस वक्त पे, वो नहीं हो पाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से परेशानियां तो होती ही हैं। आपके कई सारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, जैसे फेस पे बाल आने लगता है, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, आपके पीरियड्स इनरेगुलर होने लगते हैं, कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड्स भी बनने लगते हैं। तो ऐसे कई सारी समस्याएं तो होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये समस्याएं महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने देती है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं है ये तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ महिलाओं में डिस्चार्ज कम आता है, कुछ में ज़्यादा आता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अपने स्टेबिलिटी यानी ओवुलेशन को कंफर्म कैसे करेंगी, कैसे स्टेबल करेंगी कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे अच्छी होती है आपके ओवुलेशन की किट की द्वारा आपके माध्यम। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे सरल उपाय होता है ओवुलेशन किट का सहारा लेना। ओवुलेशन किट में आपके हार्मोन्स का बैलेंस चेक किया जाता है, और जिससे सुनिश्चित हो जाता है कि महिला ओवुलेशन करने वाली है यानी ओवुलेट होने वाली है, या फिर उसका फर्टाइल पीरियड अब शुरू हो जाएगा कुछ ही घंटे के बाद। आपको पता है कि ओवुलेशन किट परचेस करते समय उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और एक बहुत बड़ी चीज ध्यान में रखिएगा कि ओवुलेशन किट का यूरिन सैंपल ऑलवेज आफ्टरनून का या फिर आप मील के बाद यानी मॉर्निंग हेवी ब्रेकफास्ट के बाद 12-1 बजे तक का जो यूरिन सैंपल है वो कलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें हार्मोन्स ज़्यादा बढ़िया से प्रिडिक्ट हो जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो महिला के शरीर से ओवरी से ओवुलेशन यानी एक बाहर निकलता है, और यही हार्मोन आपके ओवुलेशन किट में दर्शाए जाते हैं, जिसकी वजह से कंसीव करना और ईजी हो जाता है। बाकी हार्मोन्स को किस तरह से रेगुलर रखना है इसके बिहाफ पे काफ़ी सारे आपको हेल्पफुल वीडियोज़ मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो बेस
गिफ्ट हैं आपके होम रेमेडी ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसमें खर्चा बिल्कुल जीरो होता है और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं। तो आप तमाम ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जैसे कि सोफ वाटर आप ले सकती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अदरक की चाय आप पी सकती हैं। इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्स करने की कई सारी ड्रिंक्स मैंने शेयर कर रखी हैं, आप उसका भी सहायता लेकर के अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस में कर सकती हैं। PCOD PCOS कोई बीमारी नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है जो फीमेल्स को काफ़ी बार हो जाती हैं। अमूमन ये जो है फेजेस किसी भी पड़ाव पे जीवन के यानी किसी भी एज ग्रुप की महिला को हो सकता है, यंगस्टर में भी हो सकता है, आपको जब आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं फिर भी हो सकता है। तो ये बीमारी नहीं है, इसको लाइफ स्टाइल से ठीक किया जा सकता है और आपके डाइट को कंट्रोल करके ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखें, क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियो आने वाले जो इन द फ्यूचर हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आप मेरे आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए तमाम उन बहनों के साथ जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखिए, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।